इंडिया खबर लाइव के दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं संस्कृति गार्डन ग्वालियर में, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और यहां पर आज युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुछ ही देर में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी आने वाले हैं, जो कि युवाओं को संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ ही एक कैंपेन है, युवाओं को किस तरह से चुनाव के साथ जोड़ा जाए और युवा शक्ति का उपयोग किस तरह से देश के विकास में किया जाए। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, एक नमो ऐप का ये स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर बहुत सारी शासन के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उनका एक विश्लेषण दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है, ताकि युवाओं को उसके बारे में जानकारी मिले। और ये नमो ऐप पर सारी की सारी जानकारियाँ उपलब्ध है, कोई भी इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर इन सारी जानकारियों को ले सकता है और दूसरों को अवेयर कर सकता है, ताकि हमारे देश को एक रफ्तार मिल सके। इस देश को उन्नति पर ले जाने के लिए हम सभी लोग सहयोगी हो सकें। आप सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में यहां पर लिखा गया है, और आइए चलते हैं, हम थोड़ी थोड़ी देर में सभी स्टॉलों पर चलेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इन योजनाओं के द्वारा युवाओं ने लाभ उठाया है। जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर अशोक राजपूत। अच्छा, डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं? जी, नारायण विहार कॉलोनी गोलेकम मंदिर से, और रामकिरण मंडल में मीडिया प्रभारी है मेरे। अच्छा, पास वेरी नाइस। अभी अमित शाह जी को आप सुन रहे थे, लगभग एक घंटे तक बोले, सुना। तो क्या संदेश आप लेके जा रहे हैं? यह संदेश लेके जा रहे हैं कि अब की देखो क्या है कि जो उनका पार्टी का जो संदेश है कि अब की बार 200 पार, तो क्या है कि हमारा जो संकल्प है और युवा मोर्चा का जो संकल्प है, तो हम प्रयास पूरा करेंगे कि अब की बार 200 पार ही हुए मध्य प्रदेश में। और जो कांग्रेस की नए व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल चरमरा जाएंगी, और आने वाले 20 साल तक 25 साल तक वो क्या है कि मध्य प्रदेश की ज़मीन पे पैर जमाने की कोई स्थिति में नहीं रहेगी। मोहम्मद यूसुफ है। हाँ जी, तो जी, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सर? जैसा कि मैं अमित शाह जी को सुन रहा था, तो मेरी भी अपेक्षा ये है, जो 15 साल से जो शिवराज सिंह सरकार जो नहीं कर पाई है, वो भी अब की बार कर पाए। और हमारा भी ये संकल्प है कि बिल्कुल बीजेपी को विजय बनाया जाए, और हम भी बिल्कुल वोट देंगे बीजेपी को। लेकिन कुछ मुद्दे हैं, जैसे हमारा जो बीजेपी का मुद्दा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाने में नाकाम जो हो रहे हैं उस पर भी बीजेपी को काम करना चाहिए और सरकार को काम करना चाहिए। और जो शिक्षित वर्ग जो है, वो शिक्षित वर्ग जो है वो बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है, उन्हें जॉब्स नहीं है। तो उस जॉब के ऊपर जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो बताया गया कि 2 करोड़ जॉब निकलेगी या जो भी है, तो उस चीज़ पे काम किया जाए। बाकी अब की बार 200 पार तो हो गई होगा। ग्वालियर के युवा इस बात के लिए बिल्कुल कमर कस के यहाँ से निकल चुके हैं। एक ऊर्जा का संचार अमित जी ने इस रैली के माध्यम से आज युवाओं के लिए किया है, और उन्होंने कहा है कि युवाओं के की ऊर्जा जो यहाँ से निकलेगी वो एक सुनामी बन के पूरे देश में छा जाए, और निश्चित रूप से मोदी जी एक निर्विवाद नेता के रूप में विश्व का नेतृत्व करें। कुछ और युवा हमारे साथ साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम टेकचंद्र है, मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप यूपी से? बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे मैं MBA परस्यूइंग कर रहा हूँ फ्रॉम प्रेस्टीज। युवाओं की क्या समस्याएं ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता? आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट जो समस्या हम लोगों की है, वो सबसे बड़ी समस्या है, वो एम्प्लॉयमेंट की है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस सेक्टर में काम करना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि स्टार्टअप है, न्यू स्टार्टअप अगर हम लोग ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं सिंपल से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और इन्वेस्ट भी हम लोगों को न सिर्फ इन्वेस्ट भी करने के तरीके। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जी साहब के द्वारा चलाई जा रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, मेरा उसके बारे में यही ख्याल है, कहीं ना कहीं जब लोगों को इसके लिए लोन सेक्शन होने की बात आती है तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हल्का सा मोटिवेशन खत्म होता है, जिससे कि हम कैसे लोन को अप्रूव कराएं। तो उसके लिए कौशल विकास योजना जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी थी, वो बहुत बेस्ट है। और कहीं ना कहीं कुछ शिवराज जी की भी योजना है जो युवाओं को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है कि कैसे हम लोग सरकार से फंड ले सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ना कि हम लोगों को सिर्फ जॉब सीकर नहीं बनना है, बल्कि जॉब क्रिएटर भी बनना है। एक जॉब पाने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, अगर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और करें तो हम लोग 100 जॉब दे भी सकते हैं। अभी तो कहीं और क्या अपेक्षा है? तो कहीं ना कहीं मेरी अपेक्षा यही है कि थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को भी इम्प्रूव करें, गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो इज डूइंग वर्क वेल, और हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अलावा नथिंग इज मोर टू आई डोंट दैट आई वांट,
अर्ली एम्प्लॉयमेंट दैट इज गुड एंड अदिति इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओनली अवेलेबल टू दैट इन अमित जी को अभी आप बोले जी 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 अमित जी को सुना क्या संदेश लेके जा रहे हैं देखिए अमित जी के द्वारा ये दिए गए संदेश वास्तविकता में ही एक देश को एक जो देश के अंदर जो आज अराजकता जो फैली हुई है देश के अंदर जो देश को विभाजन करने की जो व्यवस्था बनाई रखी है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और वास्तविकता में मैं देख रहा हूँ जी जो अन्य पार्टियाँ हैं जिस प्रकार से जो मायावती जी हैं और समाजवादी पार्टी है और भी अन्य पार्टियाँ हैं जो एक क्षेत्रीय लेवल पर हैं और जो प्रादेशिक पार्टियाँ हैं उनका मुझे एक रुख थोड़ा ये ख़राब लगा कि वो केवल एक विस्तारवादी नीति चाहते हैं और जो विस्तारवादी नीति को सीधा सीधा उनका उद्देश्य ये है कि वो केवल एक अपने तक सीमित रहें तो मुझे अमित जी का ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं किस तरीके का नेतृत्व चाहते हैं किस तरीके का देश में बदलाव चाहते हैं तो सबको साथ लेने के लिए चलने वाला जो व्यक्ति है उसको साथ लेकर आप चलने वाले व्यक्ति को आप वोट करेंगे या मतलब उसको सपोर्ट करेंगे और या फिर एक सिस्टम एक विस्तारवादी व्यक्ति को आप सपोर्ट करेंगे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनको कि उन्होंने नरेंद्र जी के सपोर्ट किया और वास्तविकता में मैं मानता हूँ कि नरेंद्र जी सबको साथ लेके और सबका विकास लेके जी विजय मंगल मेरा जी मैं कैलर से डिस्ट्रिक्ट मोटेर से विजय मंगल जी भी जो है अभी उन्होंने अपने विभाग विचार रखे हैं और कहीं ना कहीं अभी यहाँ से काफ़ी ऊर्जा लेके सभी युवा जा रहे हैं और निश्चित रूप से यह जो ऊर्जा है अभी काफ़ी परिवर्तन लेने लेके आने वाली है और निश्चित रूप से ये परिवर्तन कुछ समय बाद हमें दिखाई देने वाला है। इंडिया खबर लाइव के लिए संस्कृति गार्डन ग्वालियर से मैं आशीष।